नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल इंग्लिश का फंडा में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम घर घर में सास बहू के रिश्ते में होने वाली तकरार के दौरान बोले जाने वाले तानेदार इंग्लिश सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। अगर आप हमारे चैनल पे बिल्कुल नए हैं तो हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का पहला सेंटेंस है प्यारे दोस्तों, तू सुबह जल्दी क्यों नहीं उठती। इसे कहेंगे व्हाई डोंट यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। Why don't you get up early in the morning? अगला सेंटेंस है, तू हमेशा देर से उठती है। इसे कहेंगे You always leave your bed late. You always leave your bed late. अगला सेंटेंस है, तुम्हें शर्म नाम की चीज ही नहीं। इसे कहेंगे You don't have any sense of shame. You don't have any sense of shame. अगला सेंटेंस है, आपका तो हमेशा टोकने का काम है। इसे कहेंगे यू आर ऑलवेज इन एन इंटरप्टिंग मूड। यू आर ऑलवेज इन एन इंटरप्टिंग मूड। अगला सेंटेंस है, कभी प्यार से भी बात कर लिया करो। इसे कहेंगे बी इन अ सॉफ्ट मूड एट टाइम्स। बी इन अ सॉफ्ट मूड एट टाइम्स। अगला सेंटेंस है, हर वक्त कमियां ही ढूंढते रहते हो। इसे कहेंगे You always keep looking for flaws all the time. You always keep looking for flaws all the time. Flaws का मतलब होता है कमियाँ, या फिर इसे हम ये भी कह सकते हैं You always pick holes. You always pick holes. अगला sentence है, तूने आज तक सीखा ही क्या है। इसे कहेंगे What have you learnt till today? What have you learnt till today? या फिर इसे ये भी कह सकते हैं You have learnt nothing else. You have learnt nothing else. अगला सेंटेंस है, ना खाना बनाना आता और ना साफ सफाई करनी आती। इसे कहेंगे You know neither to cook nor to clean things. You know neither to cook nor to clean things. अगला सेंटेंस है प्यारे दोस्तों, पता नहीं तुम्हारे माँ बाप ने कुछ सिखाया है कि नहीं। इसे कहेंगे डोंट नो इफ़ योर पेरेंट्स हैव टॉट यू एनीथिंग। डोंट नो इफ़ योर पेरेंट्स हैव टॉट यू एनीथिंग। अगला सेंटेंस है, मेरे माँ बाप को बीच में मत लाओ। इसे कहेंगे डोंट ब्रिंग माई पेरेंट्स इन। डोंट ब्रिंग माई पेरेंट्स इन। अगला सेंटेंस है, वे आपसे तो हजार गुना बेहतर हैं। इसे कहेंगे दे आर अ थाउजेंड टाइम्स बेटर देन यू। They are a thousand times better than you. अगला सेंटेंस है, पता नहीं कैसे भाग फूट गए मेरे। इसे कहेंगे Don't know why God cursed me. Don't know why God cursed me. अगला सेंटेंस है, पता नहीं कब तक तुम लोगों को झेलना पड़ेगा। इसे कहेंगे Don't know how long I will have to live with you. Don't know how long I will have to live with you. अगला सेंटेंस है, भगवान मुझे उठाता भी नहीं। इसे कहेंगे God does not even favor me with death. God does not even favor me with death. अगला सेंटेंस है, किस्मत फूट गई मेरी तो। इसे कहेंगे Luck went right against me. Luck went right against me. अगला सेंटेंस है प्यारे दोस्तों, अपने माँ बाप के बारे में तो कुछ कहने ही नहीं देती। इसे कहेंगे यू डोंट लेट मी से एनीथिंग अबाउट योर पेरेंट्स। यू डोंट लेट मी से एनीथिंग अबाउट योर पेरेंट्स। अगला सेंटेंस है, उन्हीं ने सिर पर चढ़ा रखा है तुम्हें। इसे कहेंगे दे हैव फिल्ड योर माइंड विद प्राइड। दे हैव फिल्ड योर माइंड विद प्राइड। अगला सेंटेंस है, ऐसे तुम्हारी जिंदगी कैसे कटेगी। इसे कहेंगे हाउ विल योर लाइफ गो लाइक दिस। हाउ विल योर लाइफ गो लाइक दिस। अगला सेंटेंस है, आपको मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं। इसे कहेंगे यू नीड नॉट वरी अबाउट मी। यू नीड नॉट वरी अबाउट मी। अगला सेंटेंस है, अपने आप को थोड़ा सा सुधार लो।
इसे कहेंगे इम्प्रूव योर सेल्फ अ लिटल, इम्प्रूव योर सेल्फ अ लिटल। अगला सेंटेंस है प्यारे दोस्तों, बड़ों की कद्र करना सीख लो, इसे कहेंगे लर्न टू रिस्पेक्ट द एल्डरली, लर्न टू रिस्पेक्ट द एल्डरली। अगला सेंटेंस है कद्र करके भी बुराई ही मिलनी है, इसे कहेंगे इवल इज टू बी फाउंड इवन बाय रिस्पेक्ट, इवल इज टू बी फाउंड इवन बाय रिस्पेक्ट। या फिर इसे हम ये भी कह सकते हैं इवन योर रिस्पेक्ट विल ब्रिंग नो फ्रूट, इवन योर रिस्पेक्ट विल ब्रिंग नो फ्रूट। अगला सेंटेंस है आप इज्जत से बोलोगे तो मैं भी इज्जत करूंगी, इसे कहेंगे इफ यू स्पीक विद रिस्पेक्ट आई विल ऑल्सो रिस्पेक्ट यू, इफ यू स्पीक विद रिस्पेक्ट आई विल ऑल्सो रिस्पेक्ट यू। अगला सेंटेंस है एक बार मुझे अपनी बेटी समझ कर तो देखो, इसे कहेंगे वंस टेक मी एज योर डॉटर, वंस टेक मी एज योर डॉटर। अगला सेंटेंस है फिर देखना आपकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां भर दूंगी, इसे कहेंगे देन आई विल फिल योर लाइफ विद लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस, देन आई विल फिल योर लाइफ विद लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस। अगला सेंटेंस है ठीक है बेटी आगे ध्यान रखूंगी, इसे कहेंगे ओके डियर आई विल कीप इट इन माइंड, ओके डियर आई विल कीप इट इन माइंड। अगला सेंटेंस है ठीक है मम्मी मैं भी आपसे ढेर सारा प्यार करूंगी, इसे कहेंगे ओके मम्मी आई विल ऑल्सो लव यू अ लॉट, ओके मम्मी आई विल ऑल्सो लव यू अ लॉट।